हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग विद टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वे से रिलेटिव, कि जो सर्वे में जो चेन यूज़ होती है वो कितने टाइप्स की चेन यूज़ होती हैं और उन चेनों की कितनी कितनी लंबाई होती है और प्रत्येक चेन में कितने कड़ी होती हैं या लिंक्स होते हैं। ठीक है, इन सब सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये जो हमारी जो टॉपिक है चेन वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जब हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक आध क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिल जाता है कि इतनी ये हमारी ये चेन है इसमें कितने लिंक्स होंगे, या मैट्रिक चेन क्यों कहते हैं, और या जो हमारी रिवेन्यू चेन होती है इसको क्या कहते हैं, इसमें कितने लिंक्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो चेन होती है वो कभी नहीं भूलेंगे और चेन हर चेन के बारे में आपको पता लग जाएगा। इंजीनियरिंग चेन क्या होती है? इंजीनियरिंग चेन जो होती है वो 100 फिट की होती है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई की बात करते हैं कि जो इंजीनियरिंग चेन है वो कितनी है, वो 100 फिट की होती है और 100 फिट में कितने लिंक्स होते हैं, कितनी कड़ी होती हैं। हम तो बताएंगे कि 100 फिट में 100 कड़ी होती हैं। कितने 100 फिट में कितनी कड़ी होती हैं? 100 फिट में 100 कड़ी होंगी और एक कड़ी की जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 1 फिट होगी, क्योंकि 100 फिट की है तो 100 कड़ी, तो 1 फिट बराबर 1 लिंक्स। ठीक है, और ये दिख रहा होगा कि जो ये हैंडल कहते हैं, ये हैंडल, ये जो आपको टैग लग रहे हों इनका क्या मतलब है और ये चेन में क्या मतलब प्रदर्शित करते हैं और इन्हें ये क्यों लगाया जाता है टैग। ये टैग इसलिए लगाया जाता है कि जब हम कभी कोई सर्वे करते हैं और हमें उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना है किसी भी क्षेत्र की, तो हम क्या करते हैं कि जब हम इसको करते हैं तो कहें जैसे सपोज दैट कि हमारा यहाँ पर यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, तो हम यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये टैग है कि इसमें 4 नोक का टैग, 1 2 3 4 की 4 जो नोक है वो टैग आ गया है। तो हम बता सकते हैं कि जो एक टैग होता है वो 10 फिट पर होता है। एक नोक का टैग 10 फिट पे, 2 नोक का टैग 20 फिट पे, 3 नोक का टैग 30 फिट पे, 4 नोक का टैग 40 फिट पे, और ये जो गोल टैग आता है सर्कल, वो सर्कुलर जो है वो हमारा मिडिल शो करता है कि जो चेन है वो यहाँ मिडिल में है। जैसे सपोज कि हमारी यहाँ पर कोई चीज़ एंड हो गए हैं, यहाँ पर हमने सर्वे का पॉइंट आ गया, जो डिस्टेंस हमने मेजर करी थी वो यहाँ तक है, तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस की जो दूरी है वो 40 फिट है, क्योंकि एक टैग जो होता है वो 10 फिट का है और एक टैग से दूसरे टैग के बीच की जो उसमें जो लिंक्स हैं वो 10 लिंक्स हैं। कितने लिंक्स हैं? 10 लिंक्स। एक लिंक्स हमारे 1 फिट है तो 10 लिंक 10 फिट का है, तो इसलिए हमारा ये हो गया 100 फिट की होती है। यह हमने जाना कि इंजीनियरिंग चेन जो होता है वो 100 फिट की होती है और उसमें 100 ही लिंक्स होते हैं। अब आता है आपका गंटर चेन। जो गंटर चेन होती है वो क्या होती है और उसका काम क्या है? जो गंटर चेन है हमारी वो 66 फिट होती है। गंटर चेन कितने फिट की होती है? 66 फिट की होती है और उसमें कितने लिंक्स होते हैं? 100 लिंक्स होते हैं, समझ में आया। और जो गंटर चेन होती है वो क्षेत्रफल को नापने के काम में आती है। किसी भी एरिया का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम उसको गंटर चेन की सहायता से निकालते हैं। गंटर चेन 66 फुट में हमारी 100 लिंक्स होती हैं, तो 1 लिंक्स बराबर 0.66 फिट होता है या 7.92 इंच होता है, समझ में आया। 1 फिट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 0.66 को अगर 30 से गुणा कर दोगे और हमारे 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं तो हमारा इंच में निकल आएगा, समझ में आ रहा है आपको कि जो गंटर चेन है हमारी, जो गंटर चेन है वो 66 फिट की होती है जिसमें 100 लिंक्स होती हैं। 1 लिंक्स की जो लंबाई होती है वो 0.66 फिट होती है। अगर इसको आपको इंच में लिखना है तो यहाँ से, क्योंकि 1 फिट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ से 0.66 से 30 से गुणा कर दोगे, उसके बाद सेंटीमीटर में आ जाएगा, फिर हमारे जो 2.5 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है तो इसको 2.5 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा 7.92 इंच आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रेवेन्यू चेन।
रेवेन्यू चेन क्या होती है? रेवेन्यू चेन को हम पटवारी चेन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पटवारी जो होते हैं हमारे, वो रेवेन्यू चेन का यूज़ करते हैं। रेवेन्यू चेन को किस लिए यूज़ किया जाता है? रेवेन्यू चेन जो होता है वो किसी भी खेत की सीमाओं को निर्धारित करता है कि ये जो खेत है वो इस खेत की जो सीमा है वो इतने से इतने तक है, ठीक है। और इसमें जो हमारी लिंक्स होते हैं वो 16 लिंक्स होते हैं, लिंक जो लंबाई होती है वो 33 फीट की होती है। आपको पता है कि रेवेन्यू चेन क्या होती है? रेवेन्यू चेन से जो होता है हम किसी भी खेत की सीमाओं को निर्धारित करते हैं और इसकी लंबाई 33 फीट होती है और एक लिंक्स की जो लंबाई होती है वो टोटल लिंक्स कितने होते हैं? 16 होते हैं और एक लिंक्स होता है 2.06 या 33/16 या 2/16 लिंक्स होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों कि जो रेवेन्यू चेन होती है उसको हम पटवारी चेन भी कहते हैं, क्योंकि पटवारी ज़्यादातर इसी चेन से हम नपाई करते हैं। और ये जो होता है वो खेत की जो सीमा होती है उसको निर्धारित करता है। इसमें जो लंबाई है वो 33 फीट होती है जिसमें 16 लिंक्स होते हैं। अगर हम एक लिंक्स की कीमत निकालना हो तो 33 से 16 को डिवाइड कर देंगे, हमें लिंक्स पता लग जाएगा। आइए अब हम चलते हैं मैट्रिक चेन की ओर। मैट्रिक चेन क्या होता है? जो मैट्रिक चेन होती है वो मैट्रिक चेन को मैट्रिक चेन क्यों कहा जाता है? मैट्रिक चेन को मैट्रिक चेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो हमेशा मार्केट में होता है 10 की मल्टीप्लाई में प्रोवाइड होती है। कहाँ से मिलेगी? मार्केट से मिलेगी और उसमें हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होगा, जैसे 10, 20 और 30। हम इसका 10 में का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 3 बार 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे कह सकते हैं कि जो मैट्रिक चेन होती है वो मल्टीपल ऑफ 10, इसलिए उसको मैट्रिक चेन बोला जाता है। ये हमारी 3 तरह की में प्रोवाइड होती है, एक तो 20 मीटर, 30 मीटर और 10 मीटर। इसमें जो 20 मीटर की चेन होती है उसमें कितने लिंक्स होते हैं? 100 लिंक्स होते हैं। 20 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होंगे? 100 लिंक्स होंगे। 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होंगे? 150 लिंक्स होंगे। 10 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होंगे? 50 लिंक्स होंगे। और इन सब में एक लिंक्स की जो दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है और इन सभी चेन में प्रत्येक 5 मीटर पर एक टैग लगा होता है। समझ में आ गया आपको कि जो मैट्रिक चेन होती है। अब कभी कभी एग्ज़ाम में हमारे, जब कभी हम कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें पूछ लेता है कि जो 20 मीटर की चेन है उसमें कितने लिंक्स होंगे, तो आपको 100 लिंक्स अब पता लग गया, और अगर 30 मीटर की दे देंगे तो 150 लिंक्स। आप इस तरह से आपका क्वेश्चन सही होगा। अब लास्ट में हमारी आती है इस्पाती जरीफ या बॉन्ड चेन। ये जो चेन होती है इस चेन की सहायता से हम डिस्टेंस को अधिक शुद्धता से नाप सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है वो हमारी स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है, जिसमें एक फीता टाइप में होती है, गोल फीते टाइप में होती है, जिसकी ये जो 12 से 16 mm चौड़ी होती है, ये चौड़ाई जो होती है उसकी 12 से 16 mm रहती है। जो मोटाई होती है, मोटाई वो कितनी रहेगी? 0.3 mm से 0.6 mm होती है। हमें जो कितनी लंबाई में हमें मार्केट से मिलती है, ये मिलती है हमें 20 मीटर तथा 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होती है। समझ में आ गया आपको? ठीक, अब मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास इंजीनियरिंग चेन होती है। इंजीनियरिंग चेन को हम सॉफ्टी चेन भी कह सकते हैं। सॉफ्टी चेन इसलिए कहते हैं ताकि जो इसमें जो होता है वो 100 फीट की होती है और 100 ही लिंक्स होते हैं। फिर एक लिंक्स की कीमत, एक लिंक्स की लंबाई 1 फीट होती है, ठीक है। उसके बाद गंटर चेन आता है। गंटर चेन जो होती है वो 66 फीट की होती है और इसमें भी 100 लिंक्स होते हैं। गंटर चेन क्या होती है? जो कि क्षेत्रफल को नापती है। इसमें 66 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं। रेवेन्यू चेन क्या होती है? रेवेन्यू चेन को पटवारी चेन भी कहा जाता है। इससे खेत की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है और इसमें एक जरीफ की जो लंबाई होती है वो 33 फुट होती है और 33 फिट में जो कड़ी होती हैं वो 16 कड़ी होती हैं, ठीक है। मैट्रिक चेन क्या होती है? मैट्रिक चेन जो होती है वो इसलिए कहा जाता है, इसमें हमेशा 10 का मल्टीपल में प्रोवाइड होती है, जैसे 20 मीटर, 30 मीटर तथा 10 मीटर।
अब आता है कि जो 30 मीटर होती है, 30 मीटर की जो चेन होती है उसमें कितने लिंक्स होते हैं, उसमें 150 लिंक्स होते हैं, और 20 मीटर की चेन में जो कितने लिंक्स होते हैं उसमें 100 लिंक्स होते हैं, और 10 मीटर की जो लिंक्स होती है उसमें चेन जो होती है उसमें 50 लिंक्स होते हैं। प्रत्येक लिंक्स में जो लिंक जो होती है हमारी कड़ी वो 20 सेंटीमीटर की होती है। प्रत्येक जो कड़ी होगी वो कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की होगी। और स्टील बैंड या पत्ती जरीफ या इस्पाती जरीफ ये हमारी पतले स्टील की बनी होती है, ये जो है टेप की तरह होती है, लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो हमारी 12 मिली जो चौड़ाई होगी वो 12 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर के बीच में होगी, और जो मोटाई होगी वो 0.3 से 0.6 मिलीमीटर के बीच में होगी। तो ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाली चेन या जरीफ को क्या कहा जाता है और किस में कितने लिंक्स होते हैं या कड़ी होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, और अगर आप इस वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं, कि जिससे कि हमारी जो भी आपको नई वीडियो हमारी अपलोड होगी वो आपको पता लग जाएगी। ऐसे ही हम आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटिव वीडियो बनाते हैं। ठीक, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए मेरी इस वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।